अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी ने पहले मंडे कितनी कमाई की, प्रभास और दीपिका पादुकोण की प्रोजेक्ट के की क्या कहानी होगी और कब आएगा PS2 का ट्रेलर, इन सब पर बात करेंगे आज के सिनेमा शो में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रूसो ब्रदर्स की सीरीज सिटाडेल का टीजर आ गया है जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक्शन करती नजर आ रही है। टीजर में प्रियंका के साथ एक्टर रिचर्ड मैडन भी है। प्रियंका ने इसमें जासूस का रोल निभाया है। 28 अप्रैल को सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे। इसका ट्रेलर 1 मार्च को आएगा। एप्पल प्लस टीवी के फेमस शो टेड लासो के तीसरे सीजन का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में ब्रेट गोल्डस्टीन और निक मोहम्मद जैसे कुछ पुराने कुछ नए एक्टर्स दिख रहे हैं। इसके पिछले 2 सीजन्स ने खूब तारीफें बटोरी थी। तीसरा सीजन 15 मार्च से देखा जा सकेगा। टॉम हिडलस्टन की सीरीज द नाइट मैनेजर के दूसरे सीजन की शूटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्री प्रोडक्शन मोड में है। सीरीज की शूटिंग इस साल के अंत में लंदन में की जाएगी। इस सीजन को भी पहला सीजन लिखने वाले डेविड फार ही लिखेंगे। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज OTT डेब्यू करने जा रहे हैं। खबर है कि सोनी लिव के लिए वो जल्द ही एक सस्पेंस और थ्रिलर बेस्ड वेब सीरीज डायरेक्ट करेंगे जिसकी कहानी एगाथा क्रिस्टी की नॉवल द सिटाफोर्ड मिस्ट्री पर आधारित होगी। फिलहाल सीरीज का टेंटेटिव टाइटल चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली बताया जा रहा है। इसमें वमिका गब्बी, नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक शाह और लारा दत्ता जैसे कलाकार होंगे। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो रही है। फिल्म ने पहले मंडे को सिर्फ 1,60,00,000 रुपए की कमाई की। सेल्फी ने अब तक टोटल 11,90,00,000 रुपए के आसपास का बिजनेस किया है। प्रभास और दीपिका पादुकोण जल्द ही प्रोजेक्ट के फिल्म में साथ दिखाई देने वाले हैं। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी में अमिताभ बच्चन भी होंगे। प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त ने फिल्म की कहानी बताई है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अश्विनी ने बताया, ये एक हैवी ग्राफिक्स वाली फिल्म होगी। इसमें कई फैंटेसी एलिमेंट्स होंगे। ये भगवान विष्णु के मॉडर्न अवतार पर बेस्ड कहानी होगी और इसके एक्शन सीक्वेंस के लिए 4-5 इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफर्स के साथ भी काम किया है। प्रोजेक्ट के 12 जनवरी 2024 को रिलीज की जाएगी। अनन्या पांडे डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म में नजर आने वाली है जिसकी शूटिंग उन्होंने खत्म कर दी है। इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर के साथ फोटो शेयर करके अनन्या ने शूटिंग रैप करने की अनाउंसमेंट की। फिलहाल इस फिल्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जल्द ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ममूटी की फिल्म नन पाकल नेरतुमायकम के मेकर्स पर फिल्म मेकर हलिता ने गंभीर आरोप लगाया है। अपने फेसबुक पोस्ट में हलिता ने कहा कि पहले उनकी टीम उस गांव में जहां नन पाकल नेरतुमायकम शूट हुई है वहां शूट करने वाले थे। गांव के लोगों के साथ उन्होंने सारी चीजें प्रिपेयर की थी। उन्हें खुशी है कि नन पाकल नेरतुमायकम वही शूट हुई, मगर मेकर्स ने पूरा का पूरा फिल्म का एस्थेटिक चुरा लिया। यानी फिल्म के अंदर का लुक, घर का डिजाइन, कपड़ों का डिजाइन, सड़कों का लुक, लोगों का पहनावा, सब कुछ चुरा लिया। वैसे इस मूवी का रिव्यू आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ऐश्वर्या राय, चियान विक्रम, कार्ति और जायम रवि की फिल्म PS2 का ट्रेलर 5 अप्रैल को रिलीज किया जा सकता है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी के ट्रेलर और ऑडियो का फाइनल कर लिया गया है। इसे चेन्नई में होने वाले एक ग्रैंड इवेंट में रिलीज किया जाएगा। फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज होगी। पठान फिल्म की ह्यूज सक्सेस पर दीपिका पादुकोण ने पहली बार कुछ कहा है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने कहा, मैं प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से चाहती थी कि ये फिल्म अच्छा करे। आपकी फिल्म अच्छा करे इसके लिए आपकी नीयत सही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम सभी यही मना रहे थे कि ये फिल्म अच्छा करे। अब मैं शाहरुख और गौरी से कहती हूँ कि ये प्यार और दुआ है जो आपको इस रूप में वापस मिल रही है। कार्तिक आर्यन और कृति सानन की शहजादा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। रिसेंटली जी सिनी अवार्ड्स में पहुंची कृति से जब शहजादा के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके करियर के लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको कार्तिक आर्यन के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है तो कृति भड़क कर बोली, क्या ये जगह है ये बातें करने के लिए। कृति का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सिंगर अरमान मलिक ने फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक उर्फ संदीप पर नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल यूट्यूबर अरमान मलिक की दोनों वाइफ्स प्रेग्नेंट है जिस वजह से वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन अरमान मलिक ने उन पर गलत तरह से नाम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अरमान ने मीडिया से भी यही कहा कि यूट्यूबर का असली नाम संदीप है तो उसे अरमान मलिक बुलाना बंद करना चाहिए।
अरमान ने कहा कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस वजह से वो बहुत निराश है। द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने जूनियर एनटीआर को अवार्ड सेरेमनी में ना बुलाए जाने वाले मुद्दे पर सफाई दी है। अपने स्टेटमेंट में एसोसिएशन ने कहा कि उन्होंने सेरेमनी के लिए जूनियर एनटीआर को बुलाया था, मगर वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि वो अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिरोज नाडाडवाला इन दिनों हेरा फेरी 3 बना रहे हैं। अब खबर है कि इसके तुरंत बाद वो आवारा पागल दीवाना 2 पर काम शुरू कर देंगे। इसमें भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, पारियश रावल और जॉन अब्राहम नजर आएंगे। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय, सुनील और पारियश ने आवारा पागल दीवाना 2 के लिए हामी भर दी है। जॉन अब्राहम ने भी मूवी के लिए हाँ कर दी है। फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है। इस साल के अंत तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथी मेघना ने। अब मुलाकात होगी कल, तब तक जुड़े रहिए हमसे। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।